हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के वीडियो में हम विजय थलपति सर की कंप्लीट आउटलाइन में सेटिंग करेंगे। एंड इससे पहले हमने पार्ट वन में स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आउटलाइन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो चलो गाइज, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, मैं सबसे पहले सिंपली जो मैंने पार्ट वन में आप लोगों को आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था तो थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो मैं पहले उसे सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके हल्की हल्की सी इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली जैसे कि इस ड्राइंग को हेयर से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हेयर में सेटिंग करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग सिंपली ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके भी अच्छी तरीके से हेयर को ड्रॉ कर सकते हो। एंड बस आपको सिंपली रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से देखना है कि रेफरेंस फोटो के हेयर किस डायरेक्शन में है, एंड सिंपली आप लोगों को उसी डायरेक्शन में अपनी ड्राइंग शीट में भी हल्के हाथों से स्ट्रोक लगाना है। गाइज, मैंने यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेटिंग कर दी है। इसके बाद मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर दूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा लाइट हेयर दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ। एंड गाइज, इसके बाद मैं सिंपली कंप्लीट फेस में सेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो में जो भी मुझे डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड बाकी कंप्लीट फेस में मैं सिंपली यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल विद एचबी ग्रेड की लीड से कंप्लीट फेस में हल्के हाथों से सेटिंग कर रहा हूं। एंड जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है, मैं सिंपली उन हाईलाइट एरियाज को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही एचबी ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूं। गाइज, मैंने यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड एचबी ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट फेस में सेटिंग कर दी है। इसके बाद मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट फेस में हल्के हाथों से ब्लेंड कर दूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर लेने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली यहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूं। गाइज, मैंने यहाँ पर 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट फेस में सेटिंग कर दी है। इसके बाद अब मैं सिंपली इसे भी पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। एंड इसके बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज करके कंप्लीट फेस में हाईलाइट कर दूंगा।